सभी स्टूडेंट्स मैं आपको बता सकते हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 का इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं। प्रीवियसली इसमें हमने किरचॉफ रूल पढ़े थे और आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज और एक किरचॉफ वोल्टेज रूल की एप्लीकेशन है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे इट इज अ डिवाइस टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस व्हेन सर्किट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। जब सर्किट बैलेंस हो जाएगा उस वक्त ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है No current flows through galvanometer under balanced condition। जब सर्किट बैलेंस होगा तो galvanometer से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, जो कि मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों ने लिखनी भी है। डायग्राम में आप शो करोगे कि चार रेजिस्टेंस हैं जो कि एक मैश इस सूरत में अलाइंड है। इनके नाम आपने R1, R2, R3 और R4 देने हैं। अगर आपने इनके नेमिंग का सीक्वेंस तब्दील किया तो आंसर भी क्वेश्चन मैच करता हुआ नहीं आएगा। इसके इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में गैल्वेनोमीटर लगाया गया है और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में बैटरी लगाई गई है। तो हो सकता है गैल्वेनोमीटर एक्सटर्नली शो कर दिया जाए और बैटरी यहाँ पे लगा दी जाए, बात तभी हुई होगी। ठीक है, सो इन दोनों एंड्स के दरमियान में एक स्विच से होते हुए एक बैटरी कनेक्ट की गई है। और इन पॉइंट्स का जो नाम है वो क्या दिया गया है, वो है ए बी सी एंड डी। पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक है जी। अब आपने यहां पे तीन रेजिस्टेंस आपको नोन होगी, बैलेंस कंडीशन मिलेगा और आपको यहाँ पे बैलेंस कंडीशन मिलने के बाद कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे R4 है वो फाइंड आउट करने में मदद मिलेगी। तो आपने क्या करना है, आपने किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाना है और उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लूप इक्वेशन लिखनी है और उसके लिए लूप करंट अज्यूम करने है और तमाम लूप करंट या तो क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। फिलहाल ये जो हमारी बैटरी है, चूंकि ये लूप करंट इस तरह से प्रोवाइड कर रही है कि ये लूप करंट इस जगह के ऊपर इस सर्किट के अंदर किस तरह से फ्लो कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं, तो मैं इस वाली लूप करंट को IC का नाम देता हूँ। ठीक है, तो चलिए IC कह लेते हैं। फिलहाल बुक ने इस तरह से कहा है IC कह लेता हूँ और इधर भी एंटी क्लॉकवाइज लूप होगी और वो क्या होगी, वो होगी I1। हालांकि वैसे I1 सिर्फ R1 से फ्लो करने वाले करंट को कहना चाहिए, लेकिन बुक ने यहाँ पे I1 लूप करंट को कहा तो हम भी कह लेते हैं, वरना IP लिखा जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज लूप होगी जिसका नाम क्या होगा, I2, और इसके जरिए से हम क्या करेंगे, अब फिर से वोल्टेज रूल की इक्वेशंस लिखेंगे। मैथमेटिकल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस जगह के ऊपर हम लिखते हैं राइट इक्वेशन और किरचॉफ वोल्टेज रूल फॉर लूप, कौन सी लूप, ए बी डी ए। ठीक है, ए बी डी ए इसके ऊपर अप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से, चले R1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले क्योंकि आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ चल रहे हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप होना है। तो सबसे पहले जब करंट यहाँ से गुजरेगा तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप होगा -VR1, फिर उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा -VR3,
उसके बाद यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, आएगा माइनस वी जी और इक्वेशन जीरो होगी। अब ऑब्वियसली तीनों चीजें नेगेटिव होते हुए सम जो है वो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये बात नोटिस कीजिएगा कि वी आर वन वी आर टू और वी आर जी में से रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, उनमें से कोई एक का आंसर मजीद नेगेटिव आएगा जो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसका इक्वेशन लिखी है। अब इन पे ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से R1 से गुजरने वाला करंट I1 है लूप करंट, इसे लिख देता हूँ माइनस I1 R1। रेजिस्टेंस R3 से दो करंट गुजरते हैं, I1 नीचे की तरफ और ये वाला करंट I3 ऊपर की तरफ। तो नेट करंट जो इस लूप के लिए होगा वो होगा ये I3 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब लूप करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और ऑपोजिट चले किसी नेबरिंग लूप के करंट की वजह से तो फिर पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। बराबर नेट करंट I1 माइनस I3 और साथ लिखा जाएगा R3। इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर से भी दो करंट गुजर रहे हैं, I1 ऊपर की तरफ जिसमें इस डायरेक्शन में चलते तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नेबरिंग लूप का करंट डाउनवर्ड गुजर रहा है जो पोटेंशियल बचा रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, एनर्जी वेस्ट को रोक रहा है, नेट करंट कम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ से गुजरने वाला नेट करंट जो है वो लिखा जाएगा I1 माइनस I2 इंटू आर जी और सम किसके इक्वल आएगा, सम जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। इसी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिए। उसके बाद है राइट इक्वेशन फॉर किरचॉफ वोल्टेज रूल फॉर लूप, और कौन सी लूप है, बी सी डी ई, बी सी डी इस लूप के लिए अप्लाई करें। तो स्टार्ट कर लेते हैं R2 से। यहाँ पे लिखा जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R4 एंड सम इज जीरो। इसके ऊपर भी ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। R2 से सिर्फ एक करंट गुजर रहा है जिसका नाम क्या है, I2 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस I2 R2। गैल्वेनोमीटर से दो करंट गुजर रहे हैं, अब I1 नीचे की तरफ और I2 नीचे की तरफ और I1, इसका नेट करंट जो है वो I2 माइनस I1 लिखा जाएगा, क्योंकि लूप करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होता है और नेबरिंग लूप का करंट अगर ऑपोजिट हो तो पोटेंशियल बचाने की कोशिश करता है। ब्रैकेट खोलूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये करंट नेबरिंग लूप का इस लूप के वोल्टेज ड्रॉप को बचाने की कोशिश करेगा। साथ रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की होगी, आर जी लिखा जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस की बारी है, इसमें से आई टू ऊपर की तरफ और आई थ्री नीचे की तरफ हो रहा है, तो नेट करंट क्या होगा, नेट करंट होगा I2 माइनस I3 इंटू आर फोर, और ये भी नेबरिंग लूप का करंट जो है ये वोल्टेज बचाने की कोशिश कर रहा है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब नेक्स्ट ए बी सी ए इक्वेशन की भी लूप लिखी जा सकती है, लेकिन वो तब जब हमें I3 फाइंड आउट करना हो तब, ठीक है, या हमें एक्चुअली करंट फाइंड करना होता है, ये I1 माइनस I3 या फिर I2 माइनस I3 की वैल्यू कितनी है, तब मुझे I3 भी चाहिए होगा और I3 भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैंने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, उस इक्वेशन में I3 की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्या कहता हूँ, इस जगह के ऊपर इक्वेशन जो थर्ड लूप की है वो लिखता ही नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ अंडर बैलेंस कंडीशन, अंडर बैलेंस कंडीशन नेट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो होगा। इसका मतलब है I1 माइनस I2 जीरो होगा, ठीक है जी, ये टर्म जीरो के इक्वल होगी, या फिर मैं सिंपली कहता हूँ I1 I2 के इक्वल होगा। तो अब क्या होगा, इक्वेशन वन के काम, इक्वेशन नंबर वन क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर वन बन जाएगी जी, इक्वेशन है क्या लिखूंगा इसको, माइनस आई वन आर वन माइनस आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री और इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये टर्म जीरो हो गई है। इसको उधर ले जाए, बनेगा आई वन आर वन इज इक्वल टू आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री, इक्वेशन नंबर थ्री। और उसके बाद इक्वेशन टू बिकम्स, इक्वेशन नंबर टू क्या बन जाती है, इक्वेशन नंबर टू बन जाती है, इसमें ये वाली टर्म जीरो होगी, आई टू की जगह पे आई वन ही लिखूंगा, ये बनेगी माइनस आई वन आर टू माइनस आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर फोर इज इक्वल टू जीरो, या फिर माइनस आई वन आर टू इज इक्वल टू आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर फोर,
ये इक्वेशन नंबर फोर है. अब क्या करना है, लिखना है इक्वेशन नंबर थ्री डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फोर. जब डिवीजन करते हैं तो इक्वल टू का साइन ए के डालते होते हैं, इसलिए ये फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा माइनस आई वन आर वन डिवाइडेड बाय माइनस आई वन आर टू इज इक्वल टू आई वन माइनस आई थ्री इंटू आर थ्री डिवाइडेड बाय I1 minus I3 into R4. तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये टर्म्स कट जाएंगी, तो इक्वेशन होगी R1 over R2 is equal to R3 over R4, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 है. लेट्स से मैं कहता हूँ कि R4 अननोन है, उसे X लिख लीजिए, तो क्या बनेगा, ये R1 over R2 is equal to R3 over X. X उधर ले जाएं, ये बनेगा X R1 over R2 is equal to R3, या फिर unknown resistance X is equal to R2 over R1 into R3, equation number 6. इसी हिसाब से कोई और अगर unknown equation है तो आप वो भी find out कर सकते हो. Conclusion लिख देना इसमें कि हमने balance condition set करनी है, और set करने के बाद इस जगह के ऊपर क्या करना है, unknown resistance को find out कर लेना है. यहाँ पे कोई confusion हो आप लोग पूछ सकते हो. अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूंगा, चूंकि ये equation जो है, ये circuit जो है, ये practical नहीं है. आप किस तरीके से बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करोगे, हजारों रेजिस्टेंसेस कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे आपको, ठीक है. तो उसके लिए जो इसका प्रैक्टिकल ऑपरेटस है वो है स्लाइड वायर ब्रिज, जो कि सेकंड ईयर का पहला प्रैक्टिकल भी है. क्या नाम है इसका, स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है. बट इज बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज, इट इज सेम एज दैट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि कहता है कि बैलेंस कंडीशन के अंदर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता. अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने कहना है कि यही दोबारा से डायग्राम बनानी है. मैं कहता हूं कि लेट से ये R1 है और ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, R1 R2 R3 R4, ये गैल्वेनोमीटर लगा इनके दरमियान में, ठीक है. और यहां पे इस जगह के ऊपर क्या है, इस जगह के ऊपर ये बैटरी लगी है किसी स्विच से होते हुए, ठीक है जी. तो ये मैंने यही सर्किट बनाया जो यहाँ पे बनाया है. अब जारी बात है, शेप चेंज करने से कुछ नहीं होता, बात वही रहती है. करंट ने कौन सा जो है डिजाइन देखना है, किस डिजाइन ने अपने सर्किट बनाया, उसने तो फ्लो ही करना है. और जितनी भी हम वायर किस तरह से कनेक्शन में शो करते हैं, ऑब्वियसली वो क्या होती है, वो रेजिस्टेंस लेस कंसिडर की जाती है, वो भी नहीं लेकिन कंसिडर की जाती है. अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आर थ्री आर फोर ऊपर बना लूं और R1 R2 नीचे बना लूं, तो भी करंट को तो नहीं पता कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, उसमें तो सिर्फ पाथ देखने के, तो डिफरेंट पाथ है. और क्योंकि हमारे पास ये जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ये X है, तो R4 की जगह पे X लिख लेते हैं. और X की इक्वेशन क्या है, X की इक्वेशन है R2 over R1 into R3. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर मैं किस तरीके से बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं R1 R2 रेजिस्टेंस लगाता ही हूँ, मैं इसकी जगह पे एक सिंगल वायर लगा लेता हूँ जिसकी लेंथ क्या होगी, जिसकी लेंथ L होगी, ठीक है. इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ L होगी, ठीक है. आमतौर पे ये 100 सेंटीमीटर की होती है या 1 मीटर की होती है. लेट्स से मैं कहता हूँ कि बैटरी पे यहाँ पे 0 और 12 वोल्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 12, और यहाँ पे कितने आएंगे, 0. मिड में कितने होंगे, 6, या कितने होंगे, 9, या कितने होंगे, 3, ठीक है. अब अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस जगह के ऊपर 9 वोल्ट आ रहा है, तो आप इस पूरी वायर के ऊपर इस एक जॉ की को स्लाइड करोगे, और जब आप इसका कनेक्शन इधर लगाओगे ना इस जगह के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और चूंकि 9 वोल्ट और 9 वोल्ट बना हुआ है, इसलिए उस जगह पर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन देनी ही नहीं है, और जीरो डिफ्लेक्शन आनी है, और हमारा जो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का वो मीट हो जाना है. तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि इस जगह के ऊपर इसकी लेंथ ये वाली L1 हो जाएगी और ये वाली L2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू इस केस के लिए 75 सेंटीमीटर और ये वाली कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है. मैं इस इक्वेशन के अंदर रेजिस्टिविटी वाले टर्म इंक्लूड करवा दूंगा, और ये बनेगा रो एल टू ओवर ए, और ये बनेगा रो एल वन ओवर ए इंटू आर थ्री. आर थ्री अब अकेली है तो सिर्फ आर लिख लो भले. एरिया वायर का पूरी का सेम है, उसकी का मटेरियल सेम है, इसलिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बनेगी एल टू ओवर एल वन इंटू आर, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल पर अब मैं कहता हूं कि यहां पे जो ये वाली रेजिस्टेंस है ये कितनी है, ये 75 ओम की है. L2 आपके पास 25 सेंटीमीटर आ रहा है,
L1 75 सेंटीमीटर आ रहा है तो अननोन रेजिस्टेंस कितनी हुई, वो हुई 25 ओम की, तो ये रेजिस्टेंस 25 की होगी। और अगर बैलेंस कंडीशन आपका तब आ रहा है जब आप इस जगह के ऊपर मौजूद हो, ठीक है, उस वक्त यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे वोल्टेज जाहिर बात है 6 और 9 के दरमियान में आएगा 7.5, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 7.5 होगा अगर बैलेंस कंडीशन इधर आ रही है तो, ठीक है। उस केस में हमारे पास ये लेंथ इस तरह से एडजस्ट होंगी कि हमारे पास वैल्यूज यही आएंगी। जाहिर बात है अगर मैं कहता हूँ यहाँ 50 लिखा है और यहाँ 75 लिखा है तो उसके मिड में कितना होगा, वो होगा 62.5। तो भाई अब अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये वाली वैल्यू 62.5 सेंटीमीटर है और जो ऊपर वाली लेंथ है वो कितनी है, वो है 100 माइनस 62.5, वो कितनी बनेगी 5, और फिर ये 8, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 38.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, इन दोनों को 37.5 सेंटीमीटर लिखेंगे और साथ इसको 75 ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस कितनी है। तो भाई प्रैक्टिकली आप जारी बात है डबल कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पे इस जगह के ऊपर R1 और R2 को रिप्लेस कर देते हो, किसके साथ आप इसको रिप्लेस कर देते हो, एक स्ट्रेट वायर के साथ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल 13.6 की, उसके ऊपर भी किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई होना है। चलिए, हमें डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम के अंदर दो बैटरीज अप्लाई की गई हैं जिसकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस एनर्जी प्रोवाइडिंग और वेस्टिंग सोर्सेज अलग अलग बनाए गए हैं। ये सर्किट है, इस रेजिस्टेंस को कैपिटल रेजिस्टेंस आर का सिंबल देते हैं, इसकी वैल्यू 8 ओम की है। ये जो एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स है इसको मैं लिखता हूं E1, ठीक है, और E1 की वैल्यू कितनी है, वो है, सॉरी ये बुक ने आई थिंक ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाए हैं, अगर इनके डायरेक्शन चेंज कर लूं, ये है E1, E1 की वैल्यू कितनी है, वो है 24 वोल्ट्स। इसी तरीके से ये डायरेक्शन भी बुक ने नीचे की तरफ बनाई है, इसकी जो एनर्जी सोर्स है वो लिखी जाएगी E2, और E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू है जी 6 वोल्ट्स। इसके अलावा ये वाली स्मॉल रेजिस्टेंस जो है वो है R1, उसके क्रॉस ड्रॉप पोटेंशियल भी VR1 लिखा जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है, वो है 0.10 ओम, और ये वाली जो रेजिस्टेंस है स्मॉल इंटरनल इसे कहेंगे R2, और ये कितनी होगी, ये 0.90 ओम होगी। बैटरी कंप्लीट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बना लेता हूँ कि ये बॉक्स है और इस जगह के ऊपर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इधर भी जो बैटरी लगी हुई है वो बैटरी इस तरह से बॉक्स की सूरत में रिप्रेजेंटेड हो रही है, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे इसके टर्मिनल्स पे कितना पोटेंशियल आएगा, ठीक है, ये R1 है, ये है E1, और मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर VT1 बैटरी नंबर 1 के टर्मिनल पे कितना वोल्टेज आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल R2 है, ये जो है ये E2 है, तो इसके टर्मिनल पे जो वोल्टेज आएगा VT2, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो रिक्वायर्ड है VT1
एंड वी टू, ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज रूल की इक्वेशन अपने अप्लाई करनी है, तो लूप करंट अज्यूम करना है, एक ही लूप है, तो भाई लूप करंट की डायरेक्शन अब आपकी मर्जी है, बैटरी की डायरेक्शन में होगी। ये बैटरी करंट इस तरह घुमाना चाहती है, ये बैटरी करंट इस तरह घुमाना चाहती है। ये वाली बैटरी बड़ी है, इसका वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट है, तो हम इसकी बात मान लेते हैं और हम कहते हैं कि जो लूप करंट है ना उस तरीके से फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और लूप करंट आई है, तो सबसे पहले तो लूप करंट आई फाइंड आउट करना पड़ना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर लेता हूँ। यहां से स्टार्ट कर लेता हूँ E1 से, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं इसलिए प्लस E1, हाई पोटेंशियल से लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, फिर यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं हाई से लो, तो फिर माइनस E2 लिख दो, फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से माइनस VR2, फिर यहाँ ड्रॉप होगा बन जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू IR2 प्लस IR प्लस IR1, ठीक है जी। इन तमाम चीजों में से अब I कॉमन निकलेगा, इक्वेशन बन जाएगी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू IR2 प्लस R प्लस R1, और I कैसे आएगा, वो आएगा E1 माइनस E2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R, तो I बन जाएगा जी 24 माइनस 6 ओवर 0.1 प्लस 0.9 प्लस 8, तो क्या बनेगा 18 ओवर 9, सो करंट की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 2 एम्पीयर। तो ये लूप करंट आ गया। अब अगर आपने VT1 फाइंड करना है तो आपने इस बैटरी के अंदर नहीं देखना, आपने सिर्फ इसके टर्मिनल देखने हैं, आप इसको मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज VT1 है और बैटरी इसका करंट प्रोवाइड कर रही है और लूप करंट भी डायरेक्शन में। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास इस बैटरी के टर्मिनल से आने वाला वोल्टेज नेगेटिव होगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल अगेन व्हेन VT1 इज इक्वल टू ई माइनस VR1। तो मैं इस पूरी चीज को एक ही तरह लिखूंगा, उसे क्या लिखूंगा, इसे VT1 लिखूंगा। अब यहाँ पे इन दोनों को अलग-अलग नहीं लिखना, मुझे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कंबाइन कर देंगे, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके एक चीज लिखनी है और वो क्या होगी, VT1 प्लस में होगी। फिर यहाँ पे नेगेटिव में आएगा कि मुझे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, माइनस E2, फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा माइनस VR2, फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा माइनस VR इज इक्वल टू 0, या फिर VT1 इज इक्वल टू E2 माइनस प्लस VR2 प्लस VR, और ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा VT1 इज इक्वल टू E2 प्लस IR2 प्लस IR। तो भाई वैल्यूज कितनी है, वो है जी 6 वोल्ट प्लस 2 एम्पीयर इंटू 0.9 प्लस 2 एम्पीयर इंटू 8, दैट मीन 6 प्लस 1.8 प्लस 16, तो कितना आंसर आएगा, ये VT1 का आंसर होगा हमारा, ये होगा 23.8 वोल्ट्स। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इस बैटरी के अंदर नहीं देखना, सिर्फ बाहर टर्मिनल्स देखने हैं और पोटेंशियल को VT2 कह देना है, और आपने कह देना है अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल अगेन व्हेन माइनस VT1 इज इक्वल टू माइनस E2 माइनस VR2, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह के ऊपर आपने क्या करना है, आपने इस वाली टर्म को मिला के लिखना है, और क्योंकि वो जारी बात है कि हमारे पास लूप करंट इधर को और बैटरी करंट इधर को देना चाह रही है, तो सिर्फ प्लसेस नेगेटिव लिखे जाएंगे, ठीक है। सो तो इस वजह से ये दोनों टर्म इस तरह से लिखी जाएंगी। सो इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है यहाँ से स्टार्ट कीजिए, लिखिए प्लस E1, फिर माइनस VT2, अंदर नहीं देखा इस बैटरी के, माइनस VR और माइनस VR1 और इज इक्वल टू 0, तो फिर E1 क्या बन जाएगा, वो बनेगा VT2 फाइंड करना है, इसको उधर ले जाएं, ये बन जाएगा E1 माइनस VR
minus VR1 is equal to VT2. So VT2 क्या बनेगा? ये बनेगा E1 minus IR minus IR1. Ohm's law apply कर दिया. So VT2 VT2 is 24 minus 2 into 8 minus 2 into 0.1. तो क्या बनेगा ये? ये बनेगा 24 minus 16 minus 0.2. That means 8 minus 0.2. That means 7.8 volt. ठीक है? So VT2 की वैल्यू कितनी है? 7.8 volt है. तो चूंकि ये बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, इसकी EMF 24 volt है, लेकिन टर्मिनल पे 23.8 आ रहा है. और ये वाली बैटरी चूंकि चार्ज हो रही है, इसका अपना EMF कम है और बाहर टर्मिनल्स पे ज्यादा आ रहा है, तभी ये बैटरी क्या करेगी? एनर्जी स्टोर करेगी. सो फर्स्ट बैटरी सेकंड बैटरी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है. सो बच्चों यहां तक अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो. इनका लेक्चर आते ही ओके बच्चों, फिलहाल के लिए इतना ही था. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. खुदा हाफिज़.